टेंशन गुड। ये गोल है, परफेक्टली गोल। इसके वजह से मेरे स्किन में जो मिल रहा है वो ले जाओ। जब मैंने ये इमेजिन तो सारे कपड़े पहने ना अभी। हे गाइस, तो आज लंच में मैंने कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं बनाई थी। नॉर्मल भिंडी बनाई थी, रोटी बनाई थी और रायता बनाया था। तो अभी क्योंकि हम लोग ने जल्दी खाना खा लिया था 12 बजे तक, तो अभी 4 बजे भूख लगने लगती है। तो आई एम मेकिंग नॉर्मल स्नैक। मैं बनाने वाली हूँ आज गार्लिक ब्रेड। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा गार्लिक ले ली है और या तो आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, बट मैं इसको इस तरह से मिक्सी में ग्राइंड करने वाली हूँ बिना पानी मिलाए। और ये ग्राइंड होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक ले लिया है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ लेना है थोड़ा सा कोरिएंडर। आप इसमें कोरिएंडर ऐड कर लीजिए और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है बटर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉलिड बटर यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा मैं मेल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड मेल्ट कर लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर प्रॉपर्ली। और यहाँ पर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, डाले हुए हैं रेड चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिक्स हर्ब्स एंड साथ ही साथ ऑर्गेनो डाला हुआ है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने चीज़ लिया है और इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, आप चाहें तो चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह से क्यूब्स नहीं है चीज़ के। तो मोज़रेला चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का भी चीज़ आपके पास अभी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है बिकॉज ब्राउन ब्रेड हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है और इस पेस्ट को अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना, अदरवाइज़ ये बटर को सोक अप कर लेगा। और इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं ऐड कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चीज़ का फ्लेवर भी मुझे पसंद नहीं आता है। और अब यहाँ पर ऊपर के साइड को मैंने यहाँ पर अगेन जो बटर का पेस्ट बनाया था वो लगा दिया है। एंड कॉर्नर्स पे ज़रूर अच्छे से लगाइएगा। मैं दूसरे ब्रेड भी रेडी कर लेती हूँ और इसी तरह से जैसा मैंने पहले प्रोसेस किया वैसे ही करूँगी इसमें भी। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवे में जिस तरफ बटर लगाया हुआ था उस तरफ तवे पे रखा है और ऊपर के साइड को अगेन यहाँ पर बटर लगा करके उसको कवर कर दिया है। मैं अपना ग्रिलर भी यूज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ कि किस में ज़्यादा बेटर बना था। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पैन में बनाइएगा, उसमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आया था। और ये हमारा सिक चुका है, दोनों तरफ से मैंने सेका था इसको। अब मैं इसको कट कर लूँगी गार्लिक जो ब्रेड होती है उस तरह के अकॉर्डिंग। और ये बहुत ही टेस्टी यमी गार्लिक स्टिक्स, ब्रेड स्टिक्स आप बोल सकते हो, वो रेडी हो चुकी है। बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसका ऑलमोस्ट टेस्ट था। टेस्ट इज गुड, टेस्ट इज गुड। अंदर आप किसी और चीज़ की भी स्टफिंग कर सकते हैं, लाइक आलू का मसाला एंड ऑल। यहाँ पर मैंने शाम के लिए दाल मखानी बनाई थी, इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था एक्चुअली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है, विक्की और मैंने। व्हाट वी डिसाइडेड इज, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 3 दिन, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, मंथ के 3 दिन विक्की विल गोइंग टू डू एवरी वर्क, लाइक एवरी काइंड ऑफ हाउस होल्ड वर्क, चाहे वो रोटी बनाना हो, सब्जी हो, खाना हो, एंड साथ में बर्तन एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो वो सिर्फ 3 दिन करेगा महीने के, फ्राइडे सैटरडे संडे कंटिन्यूशन में, ठीक है। ताकि मैं उस टाइम मुझे जो करना है, मेरे को अपना कुछ पर्सनल करना है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना है, वो मैं कर सकूं। और उसके बाद दिन तो मैं सोने ही नहीं देता ना। अरे नहीं, और मतलब मुझे कैसा ना, मुझे ऐसे फील नहीं हो रहा था कि अरे चिपक गई। फर्स्ट टाइम रोटियां बना रहा है, आटा तो वो गूंथता है मेरे लिए, बट रोटी फर्स्ट टाइम बना रहा है। तो थोड़ी पापड़ जैसी बन गई है, बन रही है, मतलब ही इज इन टू लर्निंग फेज राइट नाउ। मैं थोड़ा हेल्प करा रही हूँ सिखवाने में। रोटी बनाने का मैं जैसे बनाऊं खिला रहा हूं ना। और रोटी का शेप दिखा दो। ये देखो, परफेक्टली गोल। ये गोल है, परफेक्टली गोल। ओके ठीक है, रुको। हाँ, तो 3 दिन विक्की मुझे ऐसे फील देगा लाइक आई एम इन अ होटल और आई एम इन अ रिजॉर्ट, मतलब प्रॉपर मुझे एकदम ऐसा फ्री वाला जो माहौल होता है वैसा देगा। तो मैंने बिल्कुल पोलो की बेल की तरह बांध के रखा है, हैं? दिन भर काम करा तो बाबा मींद। अरे नहीं, बट यार आई नीड दैट 3 days। और उसके बाद फिर बाकी का जो पूरा मंथ है उसमें मैं काम करूंगी। 3 दिन का मंथ के जो एंड डेज होंगे, जैसे अभी क्या चल रहा है, अप्रैल का एंड होने वाला है ना, तो यहाँ का 3 दिन ऐसे ही, अब मई में ऐसे 3 दिन होगा। तो आज मैंने सोचा स्पेशल किया जाए व्लॉग, क्योंकि क्या हो रहा था ना, मैं सुबह से उठती हूँ, लेट उठती हूँ, वो अलग बात है कि मेरा भी शेड्यूल भी बहुत उठपटांग है। मैं सुबह उठती हूँ, हमेशा से है, तो मैं लेट उठ रही हूँ। लेट उठने की वजह से मैं डायरेक्टली कुकिंग में लग जाती हूँ। मैं अपना वर्कआउट नहीं कर पाती, अपना डांस नहीं कर पाती। फिर जब मैं ये दोनों चीज़ें नहीं कर पाती ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मतलब सैड सा हो जाता है। तो वो सैडनेस हटाने के लिए यू रियली नीड अ वर्कआउट और डांस और जो भी आप पसंद करते हो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जब विक्की भी खाना बना लेगा, आज विक्की जल्दी उठ गया था तो उसने काफ़ी सारा काम ऑलरेडी सब कर लिया है, सिर्फ रोटी बची है। तो जब रोटी बन जाएगी तो हम दोनों साथ में वर्कआउट करने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कौन सा वीडियो देख के करते हो, तो द नेम ऑफ दैट गाय या वीडियो पता नहीं, उसका नाम है टबाटा। हम लोग टबाटा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है करने में, फन है और मज़ा आता है और काफ़ी फन एक्सरसाइजेस हैं उसकी और मज़ा आता है जब दो लोग साथ में करते हैं। तो येस, एंड दिस इज़ माई मॉर्निंग फेस बाय द वे। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, रोटी बनवाने में मैं हेल्प करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 I just took shower and breakfast में आज विक्की ने बनाए हैं पोहे। शानदार पोहे लग रहे हैं ये। मैंने विक्की से पूछा, बिकॉज मैं इस टाइम सो रही थी, मैंने विक्की से पूछा कि आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो विक्की बोलता है मैंने ट्राई किया बट मैं एक्चुअली ना ये जो कार्ड्स वगैरह है वो खाली करती हूँ, मेरे पास ज़्यादा कार्ड नहीं है अभी। तो अभी क्या होता है, ब्लॉगिंग तो नॉर्मली डेली कर रहे हैं, तो कार्ड्स मैंने कहीं पर रख दिए थे और विक्की को उसकी जगह नहीं पता होती कि मैं अपना सामान कहाँ कैसे रखती हूँ एंड ऑल दैट। तो इसलिए विक्की ने कुछ शूट नहीं किया है, इसलिए जब मैं उठी मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो वो पार्ट इसलिए शूट ही नहीं हुआ है। तो कुछ नहीं है, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, काफ़ी लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हम दोनों ने शावर ले लिया है और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो अभी खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा अपना पर्सनल काम करने लग गए थे, मतलब विक्की अपने काम में बिज़ी हो गया था और मैं अपने काम में बिज़ी हो गई थी। तो कल एक्चुअली सैटरडे है और मेरे इंस्टाग्राम के 2 हैंडल्स हैं, एक तो रुचि स्टाइल कॉर्नर जो कि पब्लिक है और एक मेरा प्राइवेट हैंडल है जो बहुत टाइम से है, मतलब 2015 से आई थिंक मैं उसको ऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, वो बहुत टाइम से है और जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पब्लिक एंड मेरा पर्सनल प्रोफाइल दोनों मिक्स्ड हो जाए, तो मैंने अपने पर्सनल प्रोफाइल में कभी भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई चीज़ ना डाली है, ना मैं पोस्ट करती हूँ, ना आई थिंक बहुत सारे लोगों को भी पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ, अदर देन गर्ल्स। बहुत सारी लड़कियों को तो जैसे अभी वो लोग स्ट्रेटनिंग वाला वीडियो सर्च करते हैं या इंटीरियर का कुछ देखते हैं या मेकअप से रिलेटेड कुछ देखते हैं, तो मैं कभी ना कभी किसी को दिख गई हूँ तो उनको ऐसे पता चल गया था। बट बहुत सारे जो मेल फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको तो 4 मेल फ्रेंड्स के अलावा जो और मेल वहाँ पर एडेड हैं या मेरे कॉलेज के कोई सर हैं या प्रोफेसर, उनको तो शायद अभी तक पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ और ना ही मैं उस चीज़ को ऐसे क्लब करती हूँ, ना मैं बताती हूँ। तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल में काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स एडेड हैं और मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स वगैरह सब लोग वहाँ पर एडेड हैं और कुछ मेरे कज़न्स जो मेरे को रुचि स्टाइल कॉर्नर पे भी फॉलो करते हैं वैसा। तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, बहुत पुरानी मेरी फ्रेंड है वंदना, एंड शी लुक्स डैम फैब। मतलब मेरी मोस्टली जो फ्रेंड्स हैं ना, दे ऑल लुक लाइक, क्या बोलूँ मैं, बहुत सही लगती हैं सब। तो उसने मेरे को भी अप्रोच किया था परसों के दिन, एंड शी आस्क्ड मी कि लेट्स डू दिस डोंट रश वाला जो चैलेंज आजकल चल रहा है ना, तो वो करने के लिए उसने मेरे को बोला। आई वाज लाइक ओके चल करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कौन से हम सॉन्ग पे करने वाले हैं, तो उसने मुझे सॉन्ग बताया, 4 शॉर्ट्स का एक नया सॉन्ग है वो बताया। एंड देन आई आस्क्ड हर कि मेरे को रेडी किस में होना है, इंडियन अटायर में रेडी होना है या वेस्टर्न में, तो उसने मतलब कुछ में भी रेडी हो सकती है बट वो थोड़ा ग्लैम्ड होना चाहिए, थोड़ा चमक धमक, मतलब या तो तू डिस्को पार्टी वाला ड्रेस कुछ पहन और अदरवाइज इंडियन में कुछ पहन, मतलब इट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस। तो मैंने पूछा ज़्यादा लड़कियाँ क्या पहन रही हैं, शी सेड मी कि मोस्टली लड़कियाँ वेस्टर्न पहनती हैं, तो आई ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं वेस्टर्न ही पहनती हूँ। तो अभी मैंने सोचा जब मैं रेडी होंगी, क्योंकि मुझे एकदम फटाकेदार टाइप का रेडी होना है, उसने मेरे को बोला कि जितना ग्लैम रेडी हो सकती है उतना ग्लैम्ड अप रेडी हो। तो मैं लेंसेज वगैरह सब लगाऊंगी, फेक आई लैशेज लगाऊंगी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ में वीडियो में बना देती हूँ। तो वीडियो क्योंकि मैं इस रूम में बनाऊंगी, बाहर तो विक्की काम कर रहा है तो यहाँ पे तो, और दूसरी चीज़ यहाँ पे तो गर्मी में मर जाऊंगी मैं यहाँ बैठ के, अदरवाइज़ मैं वीडियो बनाती हूँ। सामान रखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने सेटअप करके रखा है। अब आप मेरा रूम का हालत देखो, मेरे रूम का हालत देखो। कौन कौन मुझे बोलता है कि आप इतने ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहते हो, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। आई एम लाइक ए नॉर्मल पर्सन, जैसे आप लोग रहते हो वैसे मैं भी रहती हूँ। तो यहाँ पर पूरा वायर्स और ये मेरा, इसमें सारा मेरा कैमरे का सेटअप होता है, इसमें बैटरीज होती हैं, इसमें कार्ड्स होते हैं। देन यहाँ पर पूरा ये मेरा लैपटॉप का चार्जर है, लैपटॉप ये पड़ा है, विक्की का पता नहीं क्या सामान, मेरे कपड़े पड़े हैं यहाँ, मेरे कपड़े पड़े हैं, मोबाइल पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मैं बैठने का सोच रही हूँ सामने। तो आई हैव नॉट रिमूव्ड माई फेशियल हेयर, और मैंने काफ़ी दिन से ना अपनी आईब्रोज़ भी नहीं करी हैं। मेरी आईब्रोज़ एकदम ऐसे जंगल जैसी हो रही हैं, तो मैं सब कुछ करने का सोच रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेकअप वाला तो आपको मेरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा, बट अभी मैं क्या क्या करने वाली हूँ, प्रिपरेशन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सो मैं आपको अपना स्किन का एक क्लोजर लुक देती हूँ। ओके, सो आई एम गिविंग यू क्लोजर लुक ऑफ माई स्किन। आपको यहाँ पे हल्का सा ये रेड मार्क दिख रहा होगा, एंड देन ये 2-3 रेड मार्क्स दिख रहे होंगे। बस अभी फिलहाल यही हल्के बहुत लाइट मार्क्स है, मतलब मैं इवन कॉम्पैक्ट भी लगा लूँ तो ये मार्क्स चले जाते हैं, दूर से तो आपको दिखेंगे भी नहीं कि कुछ मार्क्स हैं। ये अपने आप ही फेड अवे होते जा रहे हैं। मुझसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आप स्किन रूटीन में क्या चेंज किया है आपने। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने स्किन रूटीन में कुछ चेंज नहीं किया है। स्किन केयर रूटीन जो है उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। मैं ना पहले बहुत ज़्यादा मिल्क लेती थी, मतलब आप पता नहीं मैंने वीडियो में शेयर किया है कि नहीं किया है। मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, तो मैं मिल्क ज़्यादा लेती हूँ। और जब भी मैं दूध लेती हूँ तो मैं उसमें हमेशा बहुत सारे दो टीस्पून शुगर डालती हूँ, देन उसके बाद बूस्ट डालती हूँ या चॉकलेट पाउडर डालती हूँ, ऐसा कुछ डाल करके लेती हूँ। तो तीनों चीज़ों में स्वीटनेस होती है। अभी आई डोंट नो दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट मैंने एक आयुर्वेदिक वीडियो है, मतलब आयुर्वेदिक वैद्य हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ यूट्यूब पर, वो बहुत टू द पॉइंट वीडियोज़ बताते हैं, इन डेप्थ वीडियोज़ बनाते हैं। उनके वीडियोज़ बहुत लॉन्ग होते हैं, मतलब अगर आपने किसी टॉपिक पर उनका वीडियो देखा है तो 30 to 45 मिनट्स का उनका वीडियो होगा, बट वो स्टार्टिंग से लेकर इन डेप्थ नॉलेज दे देंगे। अगर आपको एक्चुअली में ठीक होना है तो आप वो पूरा वीडियो देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है नेक्स्ट। तो मैंने जो मिल्क है उसका कंजम्पशन ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया था, एंड देन शुगर को मैंने अपने डाइट से कट डाउन कर दिया था। हाँ, मैं चॉकलेट्स वगैरह ले लेती हूँ, समटाइम्स मैं केक ले लेती हूँ, बट वो जो रेगुलर होता था ना सुबह शाम वाला, वो मेरी डाइट से पूरी तरह से कट हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, उसके वजह से मेरे स्किन में एक अलग ही, मतलब स्किन केयर तो मेरा वही चल रहा है, बट अचानक रूटीन भी मेरा वही है, खाना पीना भी मेरा वही चल रहा है, ऑयली फूड भी मैं उतना ही खा रही हूँ जितना मैं पहले खाती थी। उन सब में मैंने तेल मसाला सब होता है ना, अभी तो उल्टा मैं और चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ बना के वाला। बाहर का खाना डेफिनेटली अभी तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो मेरे ख्याल से एक तो मिल्क हो गया, दूसरा अपना ये शुगर हो गया, और तीसरा आई थिंक ये बाहर का जो फूड था, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं तो पहले भी घर में ही रहती थी, मैं बाहर जाती थी, हफ्ते में एक दिन बाहर जाती थी या 2 दिन बाहर जाती थी ज़्यादा से ज़्यादा, बट हाँ उस हफ्ते में एक दिन मैं बाहर का खाती ज़रूर थी, एंड समटाइम्स 2 times इन अ वीक खाती थी बाहर का। तो भले चाइनीज़ नहीं खा रही हूँ बट नॉर्मल फूड भी खा रही हूँ, तो वो सब चीज़ें स्किन पे इफ़ेक्ट करी है ना पॉजिटिव वे। तो मैं जिन लोगों को एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहे और मिल्क का कंजम्पशन करते हैं, एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि जो मिल्क होता है ना, जैसे जनरली जो हम बाज़ार से मिल्क लेते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। नॉर्मल जो काव होगी या जो बफेलो होगी वो नॉर्मल क्वांटिटी में इतना मिल्क थोड़ा ना प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उन लोगों को हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो आपकी बॉडी में एक एज तक रिक्वायरमेंट होती है उस ग्रोथ हार्मोन की, जो कि बच्चों को जनरली रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एक एज के बाद आपको उस ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट बंद हो जाती है। तबीयत ठीक नहीं है, आपको हल्दी वाला दूध लेना है, खांसी, आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, जब भी आपको मन कर रहा है आप ले सकते हो, बट जो डेली वाला होता है वो आप छोड़ सकते हो, उससे आपको इफेक्ट लगेगा। उसके बाद शुगर कट डाउन कर दिया है, शुगर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, मेरी पूरी स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। अदरवाइज मैं ना चाशनी होती है ना, मीठी चाशनी की तरह दूध पीती थी, इतना मीठा पीती थी मैं, लिटरली बहुत शुगर कंज्यूम करती थी पहले, तो वो सब मैंने अपने हैबिट्स में चेंज किया है, तो उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है मेरे में। और दूसरी चीज़, अभी मैं अपनी एक्सरसाइज में भी थोड़ी रेगुलर हूँ। सो बिफोर शेविंग माई फेस आई विल यूज़ दिस कामा आयुर्वेदा का नीम ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, कैन यू सी दिस। अभी लास्ट टाइम मैंने ना बिना कुछ लगाए बिल्कुल एकदम ऐसे कर लिया था ड्राई फेस में, एंड मुझे बम्प्स हो गए थे। काफ़ी सारी बार इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, बट फिर भी मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग दिस फेस शेविंग एंड ऑल, इज इट हार्मफुल, इट इज़ नॉट हार्मफुल एंड ऑल। तो मेरी जो डर्मा है ना उसने मेरे को बोला है कि यू कैन डू फेस शेविंग, इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर योर फेस एंड ऑल। स्ट्रेट यहाँ जा करके आपको शेव नहीं करना है, ऑलवेज डू लाइक दिस, ये ऐसे भी नहीं कि आपने पूरा ऐसे स्ट्रेच कर दिया एक ही बारी में, कट हो जाएगा, आपको कट लग जाएगा। जब भी आप फेस को शेव करो और शेव करने के बाद आप वॉश करो अपना फेस, तो हमेशा मेक श्योर करो या तो आप आइज़ को रब कर लो, एंड आइज़ नहीं रब करते हो तो आप नेक्स्ट ये यूज़ कर सकते हो, टोनर यूज़ कर सकते हो। अपने फेस को बेयर मत छोड़िए क्योंकि माइट भी पॉसिबिलिटीज़ कि आपके फेस में काफ़ी सारे जो छोटे छोटे बम्स होते हैं, एक्नेज होते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी लेंसेज लगाने वाली हूँ मैं, लेंसेज लगाने में मेरी बहुत जान जाती है। तो सबसे पहली जो स्टेप आती है वो आती है स्किन को मॉइस्चराइज करने की। यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। एक्चुअली मैं दूसरा मॉइस्चराइजर लगाती थी बट अभी तो आपको पता है कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरे मेडिकल स्टोर पे जो मेरे कॉलोनी में है, मतलब वहाँ पर मुझे यही वाली क्रीम मिली, तो जो मुझे मिल गई वो मैं लेकर के आ गई हूँ। मुझे भैया बोलने लगे मैडम अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो ले जाओ। अमेजिंग, हाँ ये बहुत ही अमेजिंग है, बट डेफिनेटली ऑयली स्किन वालों को मैं रेफ़र नहीं करूँगी इसके लिए, और समझ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। ये सिर्फ तब जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है आप इसको सिर्फ तभी यूज़ करिए, अदरवाइज आई विल नॉट रेकमेंड यू टू यूज़ दिस वन बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। बट मेकअप से पहले यू हैव टू यूज़ थोड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़र ताकि आपका मेकअप जो है वो स्टिक रहे आप एक ही जगह पर। यहाँ पर मैंने लगाया है प्राइमर। एक्चुअली मैं बहुत डिटेल वीडियो नहीं बना रही हूँ बिकॉज इस तरह का मेकअप मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वीडियो। प्राइमर के ऊपर मैंने थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगाया हुआ है ताकि मेरा प्राइमर सेट हो जाए, और उसके बाद मैंने लगाया हुआ है फाउंडेशन। तो इस तरह के प्रोसेस से मेकअप आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये ज़रूर फॉलो करिएगा। आपकी फाउंडेशन को मैं अच्छी तरह से अपने स्किन पर ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फाउंडेशन बफिंग ब्रश। और फाउंडेशन लगाने के बाद अगेन मैं इसको सेट करूँगी, तो यहाँ पर मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है BND का। मेरे आप डिटेल जो मेकअप वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, मेरा कोई अलग से एक्सट्रीम प्रोसेस नहीं होता है, वही प्रोसेस है जो मैं हमेशा करती हूँ। आई एम नॉट वेरी गुड एट मेकअप स्किल्स बट एक्सपेरिमेंटल नहीं हूँ मैं जो मेरे को कंफर्टेबल लगता है मैं वही करती हूँ। यहाँ पर मैं नॉर्मल ब्राउन आइज़ कर रही हूँ, नॉर्मल शेडो लगा रही हूँ, और आईब्रोज़ वगैरह फिल इन कर लिया है मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो लाइनर है वो यूज़ कर रही हूँ। लाइनर मैंने यूज़ कर रही हूँ बॉडी शॉप का, और यहाँ पर मैंने अपने जो ब्रो बोन है उसको हाईलाइट कर लिया था। एंड लाइनर लगाने के बाद मैं फेक आई लैशेज़ लगाऊंगी जो कि मैंने ऑफ कैमरा लगाया बिकॉज मुझे अभी भी फेक आई लैशेज़ लगाने में लिटरली बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट आधा घंटा मैं स्ट्रगल करती हूँ फेक आई लैशेज़ लगाने में। और यहाँ पर मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। दैन कॉन्टोरिंग के बाद आता है ब्लश की बारी, तो यहाँ पर मैं कोरल कलर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये इंडियन स्किन टोन पे। एंड लिपस्टिक मैं वही जो मैं हमेशा लगाती हूँ, नायका का यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। न्यूड कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड कलर है और ये मुझे काफ़ी पसंद है। एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी। Guys, so I'm done shooting with the video. Look at the time. कितना हो रहा है अभी? 9:45 होने वाले हैं, मतलब मेरी घड़ी के हिसाब से 9:45 है और हो गए टाइम अभी 9:15। तो अभी तक मैंने कुछ खाना वगैरह नहीं खाया है। तो मैं आपको यहाँ पर मेस दिखाती हूँ। ये मेरा रिंग लाइट है और नीचे पूरा मेस एंड मेस एंड मेस। तो अभी मैं सबसे पहला काम जो करने वाली हूँ, सबसे पहला काम वो है, एक तो आई लैशेज उतारूँगी और दूसरा अपने ये लेंसेज हटाऊँगी। जो लोग डेली इसको लगाते हैं, हेड्स ऑफ टू दोज पीपल। मतलब आप मेरी, मैं जब भी ये लगाती हूँ ना, मेरी कम से कम 5 से 6 आई लैशेज ना वो होती हैं, गिरती हैं। तो मेरी ना नेचुरल आई लैशेज बहुत अच्छी हैं, मतलब अच्छी घनी है, अभी मैंने निकाल दिया है। तो मेरी आई लैशेज काफ़ी अच्छी हैं, तो मैं अवॉइड, इसलिए मैं मेन रीज़न ये है कि मैं अवॉइड करती हूँ ये लगाना। अब मैं फटाक से ये सारा सामान जो है ये ठीक करती हूँ और इसको जगह पे रखती हूँ। बाद मैं सीधे आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आपको मैं थोड़ी रेडी टाइप से दिख रही होंगी। आई जस्ट गॉट ड्रेस्ड अप। मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है और जनरली इस तरह के ड्रेसेस मैं वेकेशंस होते हैं तब पहनती हूँ। इवन मैं नॉर्मली मुंबई में भी घूमती हूँ तो मैं इस तरह के ड्रेसेस ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। नॉर्मल जीन्स स्कर्ट्स और ऐसे पहन लेती हूँ बट ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ। मैं यूजुअली जाती भी हूँ तो कैसे मॉल्स जाती हूँ या यहाँ जाती हूँ वहाँ जाती हूँ। मैं ऑटो से ट्रैवल करती हूँ अगर मैं अकेले जा रही हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह के ड्रेसेस पहनना। और आज मेरा बहुत मन हो रहा था बिकॉज यू नो हमारे इस टाइम पे अप्रैल मतलब मार्च एंड टू अप्रैल स्टार्टिंग में पहले तो मार्च के एक जगह का हमारा एक ट्रिप था, फिर उसके बाद वो तो इंडिया में ही ट्रिप था, फिर हमारा एक बहुत सारे हमारे प्लान्स थे इस साल जो कि सब चौपट हो चुके हैं अभी। बट ठीक है, नेवर माइंड, उस चीज़ के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ बिकॉज अभी एटलीस्ट इस बार ये ग्रेटफुल है कि भाई घर पे है, चीज़ें मिल रही हैं, सेफली घर पे बैठे हुए हैं तो वो ठीक है। तो उसको बेटर फील कराने के लिए मैंने जैसे ड्रेस्ड अप हो गई हूँ। मैं कभी कोई मन करता है ना ड्रेसअप होने का, वही नाइट सूट्स और पीजेस पहन के बोर हो जाते हैं। तो आज वो सिचुएशन था कि मैं बोर हो गई और आज सैटरडे भी है तो सैटरडे जनरली हमारे माइंड में आज मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी था कि वीकेंड इज़ हेयर ऐसे करके कुछ तो भी डाला था। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अरे वीकेंड और वीकडेज आजकल सेम ही लगते हैं। बट नहीं, मेरे यहाँ सिनारियो थोड़ा सा अलग है बिकॉज वीकी घुसा रहता है काम पे, बिल्कुल ही घुसा रहता है। वो सिर्फ एक प्रेजेंस है यहाँ पर, थोड़ी बहुत हेल्प करवा देता है बाकी कामों में, बट वीकेंड पे वो फ्री रहता है तो वो एक अलग फीलिंग रहती है। एंड आज मैंने पता है क्या किया है, हमारी जो तुलसी जी हैं वो पूरी तरह से मतलब सूख गई या पता नहीं क्या हो गया है। फिर मैंने ना मिट्टी को ऐसे करके देखा, ऊपर नीचे करके देखा, तब आई रियलाइज़ कि नीचे की जो मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा गीली थी। तो इन शॉर्ट वो ज़्यादा पानी की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से शायद से डाई हो गई हैं। तो मैंने क्या किया है, तुलसी लेकर के आई हूँ मैं। हमारे यहाँ नीचे काफ़ी बड़ा गार्डन है, वहाँ गार्डन में किसी के यहाँ तुलसी लगी हुई थी तो मैं वो लेकर के तो आई हूँ और मैं को प्रोपिगेट करी है मैंने इसके थ्रू, पानी के थ्रू। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये प्रोपिगेट हो जाए। उसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे जो प्लांट प्रोपिगेट किए थे वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ और बताती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोपिगेट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला हुआ है स्नेक प्लांट की जो लीव है वो मैंने प्रोपिगेट करने के लिए डाली हुई है। फिर ये एक स्नेक प्लांट डाला हुआ है पानी में, फिर एक और प्लांट डाला हुआ है। देन यहाँ पर ये सारे बैम्बू प्लांट्स हैं तो वो मैंने डाल के रखे हुए हैं। आज मेरे को ये भी रिसीव हुआ है, ये दोनों हैंड सैनिटाइज़र हैं। एक कौन से ब्रांड का है ये पता नहीं, कौन से तो भी ब्रांड का है। तो ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था और ये मैंने ऑर्डर किया था आज से 1 महीना पहले जब सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे थे और नायका पे अवेलेबल था और एसेंशियल उसकी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी थी आई गेस। नहीं, वो ये सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा था, मैंने तब ऑर्डर किया था, एक मतलब काफ़ी दिन पहले, आई थिंक 20-25 डेज़ पहले ऑर्डर किया था। तब तक मेरे पास मामाअर्थ वाले इतने सारे सैनिटाइजर्स नहीं आए थे तो वो इतने दिनों से पेंडिंग क्योंकि अभी ऑब्वियसली डिले चल रही है डिलीवरी। आज मेरे को रिसीव हुए हैं वो, तो अभी हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे सैनिटाइजर्स हो गए, ये भी हो गए, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं। आज भी मैं नीचे दे करके आई हूँ सैनिटाइज़र, तो ऐसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करी। तो अगर आपको सैनिटाइज़र चाहिए और आपके पास नहीं है ना तो आप नायका से ले सकते हो। इवन मिंत्रा की भी एसेंशियल सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो केयरफुली, हमारे अंदर सोसाइटी में तो नहीं आते हैं डिलीवरी वाले भैया, कॉल कर देते हैं वो लोग। मैं उनको बोलती हूँ कि आप वॉचमैन के पास रख दीजिए क्योंकि मेरा कुछ 1-2 सामान ब्रांड की तरफ से भी आया है, मुझे एसेंशियल सर्विसेज हैं वो, तो उनको मैं बोल देती हूँ कि आप वॉचमैन भैया के पास रख दीजिए जो मेन गेट वाले वॉचमैन हैं। फिर मैं जाती हूँ वहाँ से, जब भी मुझे लगता है मैं नहाने जाने वाली रहती हूँ या मैं शार लेने जाने वाली रहती हूँ उसके जस्ट पहले मैं जाती हूँ, फटाक से लेकर के आती हूँ, उसको खोलती हूँ, पूरा रखती हूँ एक कोने में और बॉक्स पैकेजिंग वगैरह सब डस्टबिन में डालती हूँ एंड देन फिर मैं आई गो एंड टेक शार, ऐसे मेरा प्रोसेस होता है। और जो मैंने एक और आपको कल चीज़ बताई थी कि विक्की ने कुकिंग वाला जो स्टार्ट किया है, अनफॉर्चुनेटली विक्की की रोटियाँ बहुत ख़तरनाक बनी थी तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जब भी रोटी बनाना होगा तो वो मैं ही बनाऊँगी। भले ही विक्की आटा भी गूँधेगा बट मेरे को आटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैं गूँध लेती हूँ। बट क्या इतनी मस्त रोटियां बनाई थी मैंने, इनको तवे पे पापड़ की फीलिंग दी थी, तवे पे तंदूर की फीलिंग दी थी। तंदूरी रोटी खाते कि नहीं खाते अपन, ऐसा नहीं होता तंदूरी इतना हार्ड और इतना खतरनाक नहीं होता है। विक्की की रोटियां कुछ अलग ही थी, मतलब वो बिली ही अलग तरीके से, नहीं आपने वो जो बेलते हैं ना वो ही बहुत अजीब किया था, अलग अलग नक्शे बन रहे थे लेकिन ठीक है। हाँ तो खा लो, तो ठीक है बना लो रोटी बना दो फिर मैं खा लूंगी। हाँ वही तंदूर वाली, हाँ पक्का, हाँ खुद ही को नहीं खाना है, खुद ही को नहीं खाना है। हाँ, मेरे को क्यों बोलता है अरे ये रोटी में मज़ा नहीं आ रहा है, अपन एक काम करते हैं रोटी आप बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है रोटी मैं बना दूँगी। तो अभी मैं रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ। आई एम ऑल ड्रेस्ड अप एंड नाउ आई एम गोइंग इन टू किचन। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ रोटी बनाने के लिए। मैंने बाल वाल बांध लिया है, हाथ वाथ वॉश कर लिया है और इतने अच्छे से ड्रेस्ड अप होकर के अभी पूरा मैं गीली रोटी बनाऊंगी। और अभी मैं पूरी स्वेट में गीली हो जाने वाली हूँ क्योंकि ऑल्दो अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही है। मैं यहाँ की विंडो ओपन कर देती हूँ। और ऐसे कौन रोटी बनाता है? मैं। और आप सब भी ऐसे बनाओ। आप पूरे घर में ऐसे घूम रही है अभी क्योंकि इनको होटल की फीलिंग चाहिए। और डांस करती जा रही हूँ विक्की के सामने कि मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ हम कहीं हैं, बाहर कि बाहर है, अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसा तो ठीक है भाई, मन को हैप्पी करने के लिए अगर आप ये कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है। अभी तो वैसे भी कुछ भी ड्रेसेस जो है, मैंने तो बहुत सारी ड्रेसेस भी नहीं खरीदी थी। हाँ वो सब ड्रेसेस पता नहीं कब ओपन होंगी, कब पहनूंगी, क्या करूंगी। तो हालांकि पुराना है, ये नया नहीं है मेरा। ये मैं लास्ट टाइम जब गोवा गई थी तब मैंने परचेस किया था। फर्स्ट टाइम मैंने तब पहना था और आज मैं सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। इमेजिन, तो सारे कपड़े पहने ना अभी। ये ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे ही कपड़ों में घूमते रहे, इसमें क्या बुराई है। हे गाइस, तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो मैं भोपाल से बैम्बूज की कटिंग लेकर के आई थी उसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो एक्चुअली में जो उसका मैं करने वाली थी उसका मेरे पास पूरा सामान नहीं है। तो ये बैम्बूज हैं और इनमें मैंने क्या किया है, इनके जो होल्स हैं ना, जैसे यहाँ पर होल था तो यहाँ पर मैंने ये वाइट सीमेंट इसको मिक्स किया था और वाइट सीमेंट को भर दिया है। तो इसका मैं क्या करने वाली हूँ और किस तरह का DIY होने वाला है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा DIY रहेगा। क्या DIY बनाने वाली हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक हैंड वॉश करती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।